डिटेल्स पे बताया है, लेकिन मुझे एरर मिला था जिस कारण मेरा इंटरसर्वर एरर है, लेकिन वहाँ पे एरर मुझे बताया है कंप्यूटर डिटेक्ट कर रहा है जो पी एस सी होती है मेरा एग्जाम को बहुत नहीं खराब होती है मुझे एक तो हम कर सकते हैं कि पूरा जैम्प जो हमारा है ना उसको अनइंस्टॉल करके पूरा फिर से इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी रिस्की और इट विल टेक टाइम, क्योंकि हमारे जैम्प में बहुत सारे फाइल्स वगैरह रहते हैं, हमारे ऑलरेडी बनाए हुए फाइल्स रहते हैं, उसका बैकअप वगैरह लेना पड़ता है हमको। ओके, तो उसके बदले हम क्या कर सकते हैं कि और एक स्टेप्स है हमारे पास जहाँ पे हम कंपोज़र रिक्वायर करके मतलब कंपोज़र को अपडेट करके और जो रिक्वायर फाइल है वो इंस्टॉल करके देखेंगे कि वो सपोर्ट करता है कि नहीं, मतलब वो पहले ट्राई करेंगे, मतलब यहाँ पे हमने दिखाया लाइक कंपोज़र रिक्वायर PHP 7.4.0, वो ट्राई करेंगे वो सपोर्ट करता है कि नहीं, वो नहीं सपोर्ट किया तो हम करेंगे कंपोज़र को क्या करके करेंगे हम अपडेट ही करके छोड़ेंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे कोड में जाएंगे एंड टर्मिनल में ओपन करते हो अभी। ओके, तो ये ओपन हो रहा है, ये थोड़ा टाइम लेता है। ओके, और समझो आप हमारे चैनल पे अभी नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो बहुत, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आपके दोस्त फ्रेंड्स फैमिली सबको शेयर करो, क्योंकि सबको इसका बेनिफिट हो जाए। ओके, तो अब हम उस कंपोज़र हमारा जो है ना वो कमांड जो मैंने अभी लिया था उसको हम रन करके देखेंगे वो रन हो रहा है कि नहीं, तो मैंने डाला है अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है, तो देखेंगे लेट्स सी क्या क्या होता है। ओके, तो दिस इज़ रनिंग। ओके, लेकिन हमको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरर मिल रहा है, मतलब वो सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी भी, जेशन रिक्वेस्ट पेज पे वर्जन अभी भी सेम एरर दिखा रहा है, तो दैट इज़ नॉट सपोर्टिंग। तो हमको अल्टरनेट दूसरा सॉल्यूशन देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो दूसरा और एक सॉल्यूशन है जहाँ पे हम कंपोज़र को क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ओके, तो एक करने के बाद हम देखेंगे कि क्या होता है। देखो आप कौन सा भी प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं तो एक ही सॉल्यूशन के ऊपर स्टिक नहीं होना है, हमको बहुत सारे सॉल्यूशंस देखना पड़ता है, क्योंकि एक सॉल्यूशन से कौन सा भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। जितने हम सॉल्यूशन ट्राई करेंगे उतना हमारा नॉलेज भी बढ़ता है, एक ध्यान में रखो इसलिए। समझो कौन सा भी कोडिंग कर रहे हो ना तो हमको प्रॉब्लम्स बहुत आने चाहिए, लाइक एरर्स आने आने चाहिए, जब एरर्स आते हैं ना तब हम बहुत सीखते हैं, बहुत मतलब बहुत, क्योंकि हम कैसे करते हैं कि बहुत सारे सॉल्यूशंस हम ट्राई करते हैं, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमको समझ में आता है हाँ कौन सा वर्क हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने पहला एक सॉल्यूशन ट्राई किया वो नहीं वर्क हुआ, तो ए ट्राई करेंगे अभी ए वर्क होता है कि नहीं। तो ये तो इंस्टॉल तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद हमको पोस्टमन में चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पर करेक्ट वर्क हो रहा है कि नहीं। ओके, तो वहाँ पर देख सकते कि परसेंटेज वगैरह बढ़ रहा है, तो आई थिंक 100% तक जाएगा, तो तब तक हम वेट करेंगे और देखेंगे कि वर्क होता है कि नहीं। आई होप इट विल वर्क करेक्टली। ओके, क्योंकि ये भी मुझे नया एरर आया है अभी, मतलब ऐसा लारावेल में आया था, यहाँ पे तो नहीं आया था लेकिन अभी आया है। ओके, तो समझो एरर आया तो मुझे तो एरर सॉल्व करना बहुत अच्छा लगता है बाबा। सो आप भी हैबिट रखो कि एरर आया तो उसको सॉल्व करो। ओके, तो ओके मेरा एग्जाम तो चालू है अभी, यहाँ पे मेरा 55% तक कंप्लीट हुआ है शायद, तो मुझे आई थिंक इट विल टिल 100 इट विल वर्क, मतलब 100 तक ये वेट करना पड़ेगा हमको। ओके, तो मैं पॉज करके फिर से आ रही हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा पूरा इंस्टॉल हुआ है अभी। तो अभी हम चेक करेंगे पोस्टमन में कि अभी हमारा एरर गया कि ना, अभी हमारा जो एरर था ना कंपोजर नॉट सपोर्ट एरर वो हमको जाना चाहिए, तो देखेंगे जाता है कि नहीं, मैं बोल रही हूँ जाना चाहिए। सो लेट्स चेक नाउ, तो अब हम सेंड करके देखेंगे क्या होता है। ओके, तो देख सकते हैं हमारा वो एरर हमारा गया है, राइट, मतलब हमारा हमने जो अभी इंस्टॉल अपडेट किया वो करेक्ट वर्क हुआ है, वो एरर गया। लेकिन 404.4 मतलब मेरा मतलब पाथ में कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा इसलिए दिखा रहा है, वो तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई कि 404 एरर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम जो हमारा पाथ में कुछ भी रॉन्ग रहा तो एरर आता है। ओके, लेकिन पहले का जो एरर था वो सॉल्व हुआ ना, दैट इज़ न्यू एरर था हमको सॉल्व हो गया, राइट, दैट इज़ गुड एक्चुअली। ये तो हम इजीली सॉल्व करेंगे, तो ये देखेंगे यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मतलब पाथ वगैरह मैंने क्या लिया है क्या नहीं लिया, मुझे बैकएंड में चेक करना पड़ेगा। ओके, तो चलो चेक करके देखेंगे कि अभी कैसे होता है।
ओके तो अब हम बैकएंड में आए के तो बैकएंड में हमको जाना पड़ेगा API.ph में, क्योंकि वहाँ पे ही मेरे सारे राउट्स वगैरह मैंने वहीं पे, तो यहाँ पर हमको देखना है कि लॉगिन का क्या पाथ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे लॉगिन में /login है, और मेरा पोस्टमन में क्या है, यहाँ पे मैंने दिया है auth login है, राइट। मतलब यहाँ पे मेरा पाथ करेक्ट नहीं है, इसलिए मुझे वो 404 एरर दिखा रहा है। समझो मैंने यहाँ पे auth निकाला तो मेरा जो एरर आया था ना वो एरर सॉल्व होना चाहिए। देखेंगे अभी क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा दोनों भी पाथ अभी हमने मैच किया है, यहाँ पे भी लॉगिन है और हमारा यहाँ पे भी अभी लॉगिन है। ओके तो अब हम देखेंगे क्या होता है। ओके तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो एरर आया था, ओके तो एरर तो हमारा सॉल्व है, सिर्फ पासवर्ड रॉन्ग थे क्योंकि मैं शायद पासवर्ड रॉन्ग थे। ओके तो ऐसे ही समझो आपको बहुत सारी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस, कीप सपोर्टिंग।